खबर राजधानी देहरादून से आ रही है, जहां खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के एक निजी होटल में पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड पैरालंपिक वॉलीबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी के साथ अभ्यास मैच भी खेला। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों ने निश्चित रूप से अपने खेल के माध्यम से दूसरों को प्रेरित किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार हमारे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। आज हमारे दिव्यांग खिलाड़ी अपने खेल कौशल से देश और राज्य का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तत्वावधान में पैरा एसोसिएशन वॉलीबॉल का जो हमारे खिलाड़ी रहे हैं, आज उनको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, मेडल लेकर आए हैं, उनको आज सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से पैरा खिलाड़ियों की बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, उससे एसोसिएशन ने बहुत हद तक हमें अवगत भी कराया है। हमने भी ये कोशिश करी है कि एसोसिएशन की बातों को निश्चित रूप से जो सरकार के द्वारा बनाई गई खेल नीति है, उस खेल नीति में किस प्रकार से समाहित की जा सकती है। आने वाले समय में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से पैरा एथलेटिक्स का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, तो ये सारी बातों को लेते हुए मैं समझती हूँ कि एक समीक्षा करने की आवश्यकता है, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से एक समीक्षा की जाएगी। और मैं मानती हूँ कि पैरा के हमारे सभी खिलाड़ियों ने आज जहाँ वॉलीबॉल उनके साथ में खेलने को एक अवसर मिला है, निश्चित रूप से जिस ऊर्जा के साथ में, जिन चुनौतियों के साथ में वो खेल खेल रहे थे, वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी बहुत प्रेरणा की बात है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से खिलाड़ी, चाहे वो पैरा हो, सामान्य हो, वो प्रदेश का नाम रोशन करने में सक्षम है और देश का नाम रोशन करने में सक्षम है। इसलिए हमारे को अपने दृष्टिकोण को परिवर्तन करना चाहिए और पैरा खिलाड़ियों के साथ में भी उसी तरीके से हमें आचरण व्यवहार करना चाहिए जो हम सामान्य खिलाड़ी के साथ करते हैं।